Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. हमारी ओर से अभ्यास हेतु में दाव पर लगाता हूँ। मूषक जी को। मूषक? कौन है ये मूषक जी? कोई देवता है क्या? बस तनिक प्रतीक्षा कीजिए और स्वयं देख लीजिए। मैं उन्हें अभी यहाँ बुलाता हूँ, विश्वास कीजिए। आप उन्हें देखेंगे तो आप भी अचंभे से स्तब्ध रह जाएंगे। मूषक जी आइए यहाँ पर। मूषक जी, इसे दांव पर लगाओगे? तुमने क्या सोच लिया कि मेरी क्या मति मारी गई है जो इसके लिए मैं क्रीड़ा करूंगा? अरे आपको तो कुछ भी ज्ञात नहीं असुर महानायक शुंभ जी, जैसे देवराज इंद्र के वाहन ऐरावत है, अर्थात प्रथम पूज्य के वाहन है मूषक जी। हाँ, माना कि ये ऐरावत जी के समान शक्तिशाली नहीं और उनकी गति भी कम है, किंतु इन्हें कम आंकने की भूल कदापि मत कीजिएगा, क्योंकि इनकी चतुराई के समक्ष कोई नहीं टिक सकता। अरे ये क्या कर दिया प्रभु आपने? दूध कीड़ा में मुझे ही दांव पर लगा दिया। मूषक जी, हृदय को छोटा क्यों करते हैं आप? स्मरण है ना मैंने क्या समझाया था आपको? जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और अब जो भी होगा सब उचित ही होगा। जो भी है ये तो अभ्यास के लिए ही है ना? ये परिहास पूर्ण दाव संपन्न होने पर वास्तविक क्रीड़ा होगी ना अमृत के लिए? तब इनसे अमृत छीनकर इन सभी को यहाँ से बाहर करूंगा मैं। अच्छा उचित है, जो भी है चलो पासे फेंको। हाँ हाँ अवश्य अवश्य असुर महानायक, किंतु ये तो बताइए कि आप क्या लगा रहे हैं दांव पर? अरे इसी नियम का तो पालन करते आ रहे हैं ना असुर गुरु शुक्राचार्य, कुछ आप दांव पर लगाएं कुछ हम। इस तुच्छ मूषक के लिए कुछ मूषक के समान दांव पर लगाना चाहिए। स्वर्ण लता, ये जो कर सकती थी कर चुकी, अब इसका कोई उपयोग तो शेष रहा नहीं। ओ, आपने अपनी आसुरी प्रवृत्ति का परिचय दे ही दिया। स्त्री का सम्मान नहीं किया आपने, स्मरण रहे इस प्रकार स्त्री का अपमान जहाँ होगा वहाँ विनाश ही होगा। हम देवताओं के पास तो कुछ और शेष नहीं, इसलिए मैं मूषक जी को दांव पर लगाने के लिए विवश हूँ, किंतु जो आपने किया वो सर्वथा अनुचित है। मैं ऐसी क्रीड़ा में भाग नहीं लेना चाहता।
किंतु मैं वचनबद्ध हूँ, इसलिए मुझे ये क्रीड़ा आगे बढ़ानी ही होगी। हमें विजय प्राप्त करने के लिए अंक चाहिए। 9। भैया ये क्या हो गया? बहुत आनंद आ रहा है मुझे इस क्रीड़ा में। सबको छीन चुका हूं मैं तुमसे, और अब तो मूषक को भी खो बैठे। मूषक जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे तो विश्वास था विजय हमारी ही होगी, किंतु परिणाम उसके विपरीत हो गया। प्रभु, ये आपने क्या कर दिया? प्रभु, मेरे बिना कैसे रह सकेंगे? चलिए, बहुत हुआ भावुकता का प्रदर्शन। अब ये मूषक जी भी हमारे हुए। अब अगला दांव चलने के लिए तैयार हो जाइए। गणेश जी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? वैसे ही मेरी भूल के कारण हम सब कुछ गवा चुके हैं, और अब अमृत भी हमारे हाथ से निकलने जा रहा है। ये सब आपकी ही भूल को सुधारने के लिए किया जा रहा है। इस बात का सदा स्मरण रखिएगा। चलो, अब अभ्यास समाप्त हुआ, अब वास्तविक दांव चलो। गणेश जी, मुझे पूरा विश्वास है आप अपने वचन से मुकरेंगे नहीं। आपने अभ्यास का अवसर मांगा था, वो हमने आपको दिया, लेकिन अब हमने जो भी जीता है, जो भी हमारा है, हम सब दांव पे लगाते हैं आपके अमृत के लिए। चलिए, पासे फेंकिए। बस अब कुछ ही क्षणों में अमृत भी मेरा हो जाएगा, सब कुछ मेरा हो जाएगा। फिर जो अन्य कोई भी नहीं कर सका, वो मैं कर दिखाऊंगा, वो भी युद्ध से नहीं, मात्र इस चौसर की क्रीड़ा से। गणेश, ये तुमने क्या कर दिया? पासों को इतना दूर क्यों फेंक दिया? क्या कर दिया, इसका अर्थ क्या है? गणेश को छींक आ गई और उसकी छींक के कारण पासे दूर चले गए। प्रताश्री, अवश्य इन दोनों की कोई चाल है। अरे, छींक और चाल में भी भेद ज्ञात नहीं है आप लोगों को। छींक पर भला किसका वश होता है, वो तो स्वतः ही आ जाती है ना। हाँ, चाल अवश्य सोच समझ कर चली जाती है, जिसमें कदाचित आप सभी असुर अभ्यस्त हैं। क्यों? बस इस आरोप प्रत्यारोप का कोई लाभ नहीं है, अभी क्रीड़ा शेष है। जाइए, पासे लेकर के आइए। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? भूल मेरी है, जिसके लिए क्षमा मांगकर उसे मुझे सुधारना चाहिए। मेरी छींक के कारण ये दाव अधूरा रह गया, तो आप अपने सेनापति को कष्ट क्यों दे रहे हैं? पासे लाने उन्हें क्यों भेज रहे हैं आप? तो किसको भेजूं? अरे, अभी तो आपने मेरे मूषक जी को प्राप्त किया ना, तो उन्हें ही क्यों नहीं भेज देते आप?
एक बार भेज कर तो देखिए, तब आप भी समझ जाएंगे उनका मूल्य। इतनी बातें ना बनाओ, शीघ्र जाकर पासे लेकर आओ। भ्राताश्री, देखिए कितनी धीमी गति है इसकी, इसलिए रक्त बीज को ही भेजना चाहिए था पासे लेने के लिए। मूषक जी, इतना समय क्यों लग रहा है? बस, मैं अभी आया असुर गुरु। तुम बहुत समय गवा चुके हो, बस अब क्रीड़ा संपन्न करो। नहीं असुर महानायक शुंभ जी, ये पासे फेंकना मेरे वश में नहीं है। मैंने प्रयास किया तो देखा ना आपने क्या हुआ, ये लीजिए आप ही फेंके इन्हें। अरे गणेश, ये क्या कर रहे हो तुम? भैया, जो जिस कार्य को भली भांति निभा सके उसे ही वो कार्य सौंपना चाहिए। ये तो स्पष्ट है कि शुंभ जी और उनका समुदाय द्रुत क्रीड़ा में बहुत अनुभव रखते हैं, अर्थात उन्हें इस क्रीड़ा का उचित ज्ञान भी है। उचित है, ये शर्त तो तुमने रखी थी ना, यदि इसके पूर्व तुम मुझे पासे फेंकने देते तो इस क्रीड़ा का अब तक अंत हो जाता। शुंभ शुंभ, फेंको पासे, फेंको पासे। हमें विजय प्राप्त करने के लिए अंक चाहिए 9। नौ। सात। बस अब इसके साथ अनेकों वर्षों से जो मेरी प्रबल इच्छा है वो आज पूर्ण होगी, असुर विजयी होंगे। नहीं, तो क्या हम विजयी हुए? विजयी हुए हम? ये कैसे संभव है? हम विजयी हुए भैया। हाँ अनुज, हम विजयी हुए, हम विजयी हुए, हम विजयी हुए, हम विजयी हुए, हम विजयी हुए। असुर गुरु, ये संभव कैसे है? ये कैसे विजय हुए? मैं भी निरुत्तर हूँ, मुझे भी ज्ञात नहीं, ये कैसे हुआ? मूषक जी को छींक आई और ये पासे यहां गिर पड़े, कैसे हुआ ये? ये
ये कैसे पासे हैं, किसके पासे हैं और इस मूषक के पास कैसे पहुंचे? कहीं यही तो मेरे मायावी पासे नहीं है? इसे ज्ञात करने का तो एक ही उपाय है। चार छल छल पार्वती पुत्र, प्रथम पूज्य गणेश, आपने छल किया है हमारे साथ। पासे क्यों है यहाँ? और ये असुर गुरु क्यों कह रहे हैं कि गणेश जी ने असुरों के साथ छल किया? अब समझा मैं, ये कारण है इनके विजय होने का। गणेश ने पासे बदलने का कपट किया है। ये अन्याय है, अन्याय! छल किया इन्होंने, देवताओं ने असुरों के साथ छल किया है। मिथ्या आरोप लगाना उचित नहीं है असुर महानायक, मैंने कोई छल नहीं किया। प्रत्यक्ष प्रमाण हम सभी के समक्ष है, फिर भी आप नकार रहे हैं कि आपने छल नहीं किया है। कैसा प्रमाण असुर गुरु शुक्राचार्य? और आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि हमने छल किया? क्योंकि इन पासों के स्थान पर दूसरे पासे रखे गए हैं और तुमने हमारे पासे हटाकर दूसरे पासों से क्रीड़ा की है। मुझे तो ये पासे समान ही प्रतीत होते हैं। चतुर 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 चतुर, मुझे तो कोई भेद ही दिखाई नहीं दे रहा है इनमें। चतुर 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 चतुर, आप ही बताइए भैया, क्या आपको इनमें कुछ भिन्नता दिखाई दे रही है? नहीं गणेश, मुझे भी ये एक समान ही प्रतीत हो रहे हैं। असुर महानायक शुंभ, मैं तो ये भी पहचान करने में असमर्थ हूँ कि हमारे पासे कौन से हैं और आपके कौन से, किंतु आपको ये कैसे ज्ञात हो रहा है? क्योंकि बहुत बड़ी भिन्नता है इसमें। ये पासे मायावी हैं, मैं इन्हें पहचान सकता हूँ। दिखाऊं कैसे? पांच। ये कैसी मूर्खता कर दी तुमने शुंभ, सत्य को स्वीकार कर गणेश जी के जाल में फंस गए तुम। इसका अर्थ है मेरी पराजय में दोष मेरे भाग्य का नहीं, इन पासों का था। अब समझ में आया ये पासे कितने भिन्न हैं? तुमने मेरे पासों को हटाकर छल से विजय प्राप्त की है। छल मैंने नहीं, आपने किया है असुर महानायक। मायावी पासों से क्रीड़ा कर अन्याय तो आप कर रहे थे। ये क्या कह गया मैं? अपना छल स्वीकार कर लिया मैंने। स्वाभाविक रूप से नहीं, मायावी पासों के कारण पराजित हो रहे थे इंद्रदेव। इतना बड़ा छल हुआ मेरे साथ और मैं इसका अनुमान भी नहीं लगा सका। मुझे आश्चर्य है तो इस बात का असुर गुरु, कि ना केवल आपने इस कपट योजना को समर्थन दिया अभी तो उसमें सम्मिलित भी हुए। कोई मूर्ख अज्ञानी छल करे तो करे,
किंतु आप तो महाज्ञानी हैं, आप कैसे भूल गए कि छल पर पड़ा आवरण कभी न कभी हट ही जाता है और सत्य उजागर ही हो जाता है। आपको जो करना था वो आपने किया और आपके अनुसार हमने आपके साथ एक क्रीड़ा की और विजयी भी हुए। इसीलिए अब हमारी शर्त के अनुसार आपको इंद्रदेव को वो सब लौटाना होगा जो आपने उनसे लिया, और आपका जो कुछ भी है वो सब हमें देना होगा। जिस पर मेरा स्वामित्व स्थापित हो चुका है उसे मैं कैसे लौटा दूं? कुछ नहीं लौटाऊंगा मैं, कुछ नहीं। सबको बंदी बना लो, कारागृह में सबको बंद कर डालो और इस गणेश को बेड़ियों में जकड़कर मेरे पास खींच कर लाओ। इसके प्रत्येक दाव का उचित प्रतिशोध लूंगा मैं। छल और धोखे से प्राप्त हुई संपत्ति का सत्य उजागर हो ही जाता है और व्यक्ति का मान सम्मान भी नष्ट हो जाता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।